चाहे आपकी कोई शॉप है जहाँ आप अपने घर की लोकेशन को गूगल मैप पर डालना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट में ही डाल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों हर बार की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया या आपसे मिस हो जाता है और आप जिस काम के लिए वीडियो पर आते हो वो नहीं हो पाता, तो फिर आप बोलोगे कि वीडियो बिल्कुल भी काम का नहीं है और आप इरिटेट हो जाते हो, जिससे क्रिएटर से ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चलिए जानते हैं कि हम अपनी किसी भी लोकेशन को या अपनी शॉप को गूगल मैप पर कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी लोकेशन को ऑन कर लेना है अपने फ़ोन में से कुछ इस तरीके से। मैंने लोकेशन को ऑन कर दिया है और उसके बाद गूगल मैप को ओपन कर लेता हूँ। गूगल मैप को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा, लेयर का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है लेयर आइकन पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 3 बॉक्स मिलेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपको सेंटर में सैटेलाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सैटेलाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और आइकन मिलेगा GPS का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो मेरे घर की इर्द गिर्द की लोकेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ से जूम कर अपनी शॉप देख लूँगा कि मेरी शॉप किस जगह पर है। मैं वहाँ पर जाकर लॉन्ग प्रेस कर दूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ। और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप्ड पिन आ चुका है, तो नीचे भी देखिए लिखा आ गया है ड्रॉप्ड पिन। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा ऊपर को, आपको भी इसी तरह से ऊपर को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एड ए मिसिंग प्लेस, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है एड ए मिसिंग प्लेस पर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको बॉक्स फिल करना है प्लेस नेम का, जो भी आपकी लोकेशन का नेम है या आपकी कोई शॉप है आपको उसका नेम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पर मैं उस मेडिकल का नेम लिख देता हूँ। तो देखिए आपका कोई भी लोकेशन का आपका नेम है वो आपको लिख देना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मेडिकल का नेम लिख दिया है। उसके बाद आ जाती है बारी कैटेगरी की, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ पर वो कैटेगरी है या नहीं। अगर यहाँ पर वो कैटेगरी नहीं मिल रही मेरे मेडिकल की, तो मैं ऊपर सर्च बॉक्स में मेडिकल लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर मेडिकल लिख रहा हूँ, आपका जो भी आपकी शॉप है आपको वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं मेडिकल क्लिनिक सेलेक्ट कर लूँगा। तो इतना काम करने के बाद नीचे देखिए मेरी ऑटोमेटिक जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए लिखा हुआ है लोकेटेड विद इन, तो यहाँ पर आपकी शॉप के पास कोई भी फेमस जगह है, कोई भी आपके आप हो सकती है लोकेशन हो सकती है या कुछ भी है, आपको वो यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मेरे घर के पास कोई लोकेशन है उसका मैं नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे रेकमेंड कर देगी वो प्लेस, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मोर डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आवर सेट करने हैं कि जो आपकी शॉप है वो किस टाइम पर ओपन होती है, किस टाइम पर क्लोज होती है, किस दिन को ओपन होती है, किसको ऑफ होती है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ऐड आवर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं टाइम सेट कर लूँगा ओपन विद पर क्लिक कर। तो यहाँ पर आपको अपनी टाइमिंग सेट कर देनी है, जिस टाइम पर आपकी दुकान ओपन होती है या कुछ भी है वो आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 6 AM का टाइम सेट कर लेता हूँ, 6 AM को मेरी जो शॉप है वो ओपन होती है। मैं यहाँ सेट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर क्लोज टाइम भी लिख दूंगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं डेज बाई डेज। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए 7 बजे का मैंने टाइम सेट कर लिया है और सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए फोटो का, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको गैलरी में से अपनी शॉप की या आपकी कोई लोकेशन है उसकी आपको फोटो को ऐड कर देना है। तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और नीचे से सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इतना काम आपको करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना नंबर ऐड कर देना है, कोई भी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको ऐड कर देना है। और उसके बाद नीचे देखिए आपको मिलेगा वेबसाइट का, अगर आपकी उस शॉप की कोई वेबसाइट है या कोई लोकेशन की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, अगर नहीं भी है तो इसको आपको छोड़ देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओपनिंग डेट ऐड कर देनी है, यानी कि उद्घाटनी डेट, जब आपने शॉप अपनी पहले दिन ओपन की थी। तो उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो फीडबैक है वो गूगल के पास जा चुकी है, तो अब गूगल आपकी जो फीडबैक आपने भेजी है उसका रिव्यू करेगा। तो 24 घंटे के बाद आपकी शॉप लाइव हो जाएगी गूगल मैप्स पर। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।